सुनो दोस्तों, अगर आप मेंस हो तो आपने लाइफ में कभी ना कभी शेव करने के लिए ट्रिमर का यूज तो जरूर किया होगा, या फिर किसी शेविंग के यहाँ आप गए हो और उस बार्बर ने आपके शेविंग करने के लिए ट्रिमर का यूज किया होगा। उसी ट्रिमर बनाने वाली एक कंपनी अपना IPO लाने जा रही है, या दोस्तों उसको लोग मैनहुड के नाम से भी जानते हैं। उसी कंपनी की डिटेल्स आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं, यानी कि कंपनी का IPO ओपन होने जा रहा है 16 तारीख से, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप भी आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये कंपनी ट्रिमर और पुरुषों की त्वचा के लिए हाइजीन प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। क्या है ये कंपनी, क्या है उसकी डिटेल्स और क्या है उसकी IPO की डिटेल्स, सब कुछ जानेंगे इस एक ही वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकॉक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के IPO के बारे में, जो कि ओपन होने जा रहा है 16 जुलाई से, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो 19 जुलाई तक। IPO का साइज 19.46 करोड़ रुपए तय किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट फ्रेश इश्यू होने वाला है। इसी के साथ 16 तारीख को एक और IPO भी ओपन होने वाला है, जिसका डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दोनों IPO में से किस IPO में आप इन्वेस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। बात करें इसकी आगे, तो इसमें OFS नहीं रहने वाला और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर तय की गई है। इसका प्राइस बैंड 71 से लेकर 75 रुपीज तय किया गया है और इसमें रिटेल कोटा 35%, UIBS के लिए 50% और NII के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। दोस्तों, ये भी SME सेगमेंट का IPO होने वाला है, तो इसमें लॉट साइज 1600 शेयरों की तय की गई है। एज ए इन्वेस्टर आपको इसमें 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब इसकी डिमांड की बात करें, तो इसकी डिमांड जो है वो एक और IPO जो 16 तारीख को ओपन हो रहा है उसके मुकाबले कम दिख रही है। यहाँ दोस्तों ये 15% पर ट्रेड कर रहा है और परसेंटेज वाइज यहाँ पे आपको 15% का गेन मिल सकता है। अब 16 तारीख को एक साथ आपने देखा कि दो IPO ओपन हो रहा है, उसमें से मैकॉप्स है और दूसरा है कटारिया। कटारिया की डिमांड 47% है और उसके मुकाबले इसकी डिमांड काफ़ी कम दिख रही है। सो डिसीजन आप समझ रहे हो कि इसमें ग्रे मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, तो आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर ये ग्रे मार्केट से ज़्यादा आप अगर कंपनी के फंडामेंटल चेक करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको इससे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम भी डे बाई डे अपडेट होता रहता है और उसकी डे बाई डे अपडेट अगर आपको जाननी है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाके आप इस कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम डे बाई डे चेक कर सकते हो। बात करें इसके अलॉटमेंट और इसके लिस्टिंग की, तो इसका अलॉटमेंट आपको 22 जुलाई को मिल सकता है और 24 जुलाई को IPO मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है। अब आपका अलॉटमेंट जो है इसके ऑफिशियल रजिस्ट्रार मासिंता सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हो। बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की, तो शिवम बतेजा, दुष्यंत गंडोत्रा और दिव्य गंडोत्रा जो है वो इस कंपनी के प्रमोटर्स है। इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स के तौर पर SKI कैपिटल सर्विसेज को तय किया गया है। बात करें IPO की वैल्यूएशन की, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 4.43 पर इक्विटी शेयर है। इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 22.52% है और इसके नेट एसेट वैल्यू यानी जो NAV है वो 13.65 पर इक्विटी शेयर तय की गई है। नजर डालें इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट पर, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 0.39 करोड़ रुपए था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में पढ़ के 2.05 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यही नहीं, 2024 में कंपनी के प्रॉफिट में और बढ़ोतरी हुई और वो पहुंच गया 2.21 करोड़ रुपए पर, यानी कि इसका प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। स्टेबल ही कंपनी है, मेंस ग्रूमिंग की प्रोडक्ट्स पे ये कंपनी वर्क कर रही है और ये कंपनी आगे जाके आपको जरूर से फायदा दे सकती है। अब दोस्तों, एक साथ 16 तारीख को दो SME IPO इन्वेस्ट करने के लिए ओपन हो रहे हैं, जिसमें एक का नाम है कटारिया और दूसरे का नाम है मैकॉक्स। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों की ग्रे मार्केट में डिमांड तो बढ़िया ही चल रही है, पर ये दोनों में से किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उस पर बात करें तो ये कंपनी की डिटेल्स अगर हम देखें, तो मैकॉक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड्स की स्थापना 2019 में हुई थी और कंपनी मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। कंपनी अपनी वेबसाइट manhood.in के माध्यम से सेंसिटिव एरियाज के लिए विशेष ट्रिमर, पुरुषों की त्वचा के लिए हाइजीन प्रोडक्ट्स, ब्रीफ्स और कई तरह के सेल्फ केयर आइटम प्रदान करती है। कंपनी के पास भौतिक स्टोर या ट्रेडिशनल रिटेलर्स की उपस्थिति नहीं है, यानी कि कंपनी जो है वो फिजिकली नहीं डिजिटली ही वर्क करती है, यानी कि ये कंपनी ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रही है
और आप इसके प्रोडक्ट भी ऑनलाइन ही बाय कर सकते हो। या दोस्तों मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी तो काफी बढ़िया है, यानी कि इसका बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है। बात करें हमारे रिव्यू की तो एज पर अवर रिसर्च इसकी कैटेगरी काफी यूनिक है और आपका जरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप इस आईपीओ में जरूर से इन्वेस्ट कर सकते हो, माइट भी आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अब ये दोनों आईपीओ की कंपैरिजन करके एक में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप समझ सकते हो कि कटारिया कंपनी का जो है वो ग्रे मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड चल रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फैसला तो आपका ही रहेगा, आप इस दोनों में से किस आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और ऐसी आईपीओ की अपडेट जानने के लिए अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।